कि इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमी सेक्शन में, हम उन क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स इन्वॉल्व थे या जिन टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा था, उन सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझेंगे, उनको कोर में जाके समझेंगे, राइट? हेलो गाइस, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार जब हमने पहला वीडियो बनाया था, कि इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमी सेक्शन में, हम उन क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स इन्वॉल्व थे या जिन टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा था, उन सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझेंगे, उनको कोर में जाके समझेंगे, राइट? सो हमने एक वीडियो इस सीरीज में बना दिया था, अब हम दूसरा वीडियो इस सीरीज में बना रहे हैं। So guys, today's topic of discussion is LAF, okay? तो समझते हैं ये LAF होता क्या है। See guys, LAF refers to liquidity adjustment facility, right? ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। क्या मतलब हुआ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का? सो अंडरस्टैंड गाइस, ये जो LAF है, ये एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, जो कि RBI हमारे देश में कौन फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड एंड कंट्रोल्ड बाय RBI। RBI का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उसे मैनेज करना, और RBI सर्टेन टूल्स इंप्लॉय करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए। उन्हीं सारे टूल्स में एक टूल का नाम है LAF, ओके? तो इसमें पहला पॉइंट तो यही है दैट इट इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड व्हेन आई से मॉनेटरी पॉलिसी, सो सिंस मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय RBI, सो इट इज अ टूल ऑफ RBI। अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। सो सी गाइस, बाय द यूज ऑफ दिस टूल दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, RBI शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट, किसको? क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था वो इस सेकंड पॉइंट के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था, तो अगर हमें ये पॉइंट क्लियर होगा तो क्वेश्चन हमसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को मैं शॉर्ट में CB लिख रहा हूं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को ये अथॉरिटी मिलती है इस टूल से कि वो RBI से शॉर्ट टर्म में लोन ले सकते हैं बाय रीपर्चेस एग्रीमेंट नोन एज रेपो। दे कैन सीक अ लोन फ्रॉम RBI, दैट लोन इज शॉर्ट टर्म बाय द यूज ऑफ रेपो। ठीक है, तो रेपो का इस्तेमाल करके ये लोन ले सकते हैं From RBI। कौन ले सकता है? Scheduled commercial banks। Okay? अब एक question ये आता है कि what do we mean by scheduled commercial bank? तो देखिए, when we say scheduled, तो उन सारे banks की बात हो रही है जो कि RBI Act 1934 के second phase में जो लिखा हुए हैं कुछ principles, कुछ commands, उनको follow करते हैं, वो कहलाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। दैट मींस देयर आर सर्टेन कंडीशंस मेंशन इन RBI एक्ट ऑफ 1934। सो बैंक्स व्हिच ऑब्लाइज दोस कंडीशंस आर नोन एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है गाइस, यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये फैसिलिटी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए है, किसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। NBFCs do not qualify to be a bank. NBFC तो banks ही नहीं है। Scheduled commercial bank की तो बात ही हटा दीजिए, scheduled की तो आप बात हटा दीजिए, तो banks ही नहीं है। तो ये condition या ये facility NBFCs के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये होता क्या है repo में, आपको मैं समझा देता हूं। देखिए RBI है, अब अगर हमारे scheduled commercial bank को, let's take example of SBI जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इसको शॉर्ट टर्म में थोड़े समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अब ये क्या करेगा?
SBI can approach to RBI, ये RBI के पास जाएगा, ये RBI के पास जा करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जो भी SBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो कि उसने SLR में इंक्लूड नहीं कर रखी है, गेटिंग माय पॉइंट, SLR में ना हो वो, ठीक है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो जा करके RBI के पास मॉर्गेज कर देगा, रख देगा, या कह दीजिए सेल कर देगा, ठीक है। तो ये GSEC को RBI के पास मॉर्गेज करेगा और RBI क्या करेगा, वो SBI को लोन दे देगा डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ GSEC, जितनी GSEC की वैल्यू होगी उस हिसाब से SBI को लोन दे दिया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट दिस लोन इज शॉर्ट टर्म, ये कुछ समय के लिए लोन मिल रहा है SBI को, और क्योंकि कुछ समय के लिए मिल रहा है, लेट्स से 15 डेज के लिए लोन लिया SBI ने अपनी GSEC को मॉर्गेज करके, तो SBI एक एग्रीमेंट साइन करता है RBI के साथ, और इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि SBI ने इतना लोन लिया है RBI से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख करके, इस डेट में, जिस डेट पे भी SBI इंटेंट कर रहा है उस लोन को पे आउट करने की, इस डेट में SBI लोन पे आउट कर देगा और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर ले लेगा, यानी रीपर्चेस कर लेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रेपो रीपर्चेस एग्रीमेंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए एक चीज और आती है, रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या हुआ, देखिए जब SBI ने लोन लिया है सो ऑब्वियसली SBI इंटरेस्ट देगा RBI को, राइट और रॉन्ग, इट विल पे इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट देगा RBI को, ये कौन गवर्न करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये इंटरेस्ट रेट RBI डिसाइड करता है, ओके, कि कितना इंटरेस्ट SBI देगा RBI को जब वो लोन पे आउट करेगा, और इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। समझ में आई बात गाइस? इसी तरह से एक और चीज होती है जिसको रिवर्स रेपो बोला जाता है। अब रिवर्स रेपो में क्या होता है, रेपो में क्या हो रहा था, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जा रहा था, अपनी GSEC उसको सेल कर रहा था और उससे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा था और एक एग्रीमेंट साइन कर रहा था जिसको रीपर्चेस एग्रीमेंट बोल रहे थे। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इस डेट में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपनी GSEC परचेस कर लेगा आरबीआई से, ठीक है, और जब लोन पे आउट करेगा तो एक इंटरेस्ट देगा आरबीआई को, जिसको हम लोगों ने रेपो रेट कहा, ठीक है। अब आता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो एज द नेम सजेस्ट, जो अभी हमने फिनोमिना देखा उस फिनोमिना का जस्ट रिवर्स है ये, मतलब इस केस में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मान लीजिए SBI, ये अपना पैसा RBI को दे देते हैं डिपॉजिट की तरह, करते डिपॉजिट हैं, RBI को लोन की कोई जरूरत नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन हम लोग इसको लोन ही बोल देते हैं। कि क्यों लोन बोल रहे हैं, क्योंकि SBI आने वाले टाइम में या फ्यूचर में अपना पैसा वापस ले लेगा, राइट, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ लोन। जैसे हम लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक को लोन दे रहे हैं ना, पर रियलिटी में हम लोन तो दे नहीं रहे, हमने पैसा ही तो डिपॉजिट करवाया है। उसी तरह से SBI या कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा डिपॉजिट करवाता है RBI के पास, तो उसको हम कह सकते हैं, कहने के लिए बस, कि वो लोन दे रहा है RBI को, और जब SBI ने लोन दिया तो RBI इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, यस और नो? जैसे हम अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं कमर्शियल बैंक में तो कमर्शियल बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट तो लोन पे ही देते हैं ना, सेविंग में भी देता है, FD में भी देता है, राइट, तो ये इसको इंटरेस्ट देगा, राइट, इस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, वी कॉल दिस इंटरेस्ट एज रिवर्स रेपो रेट। ये जस्ट ऑपोजिट हो गया ना रेपो का, इसलिए रिवर्स रेपो रेट। बोलिए समझे, ठीक है, जब हमें इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं। वैसे जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इस पॉइंट की मदद से ही आप अपना प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे,
उसमें वो कह रहा था कि NBFCs जो हैं वो LAF फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। RBI, मैंने आपको बताया था दैट दिस इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है तो मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए। तो आरबीआई कैसे इसका यूज करता है, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दैट इन एन इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई है और आरबीआई LAF का कैसे यूज करेगा इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, ये हमें समझना है। तो देखिए, आरबीआई सीधा सा एक काम करेगा, आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। जब आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो क्या होगा, अब जो कमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे आरबीआई से, वो लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि अब उन्हें उस लोन के एवज में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। यस और नो? तो अब लोन जो सीक कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो अब कमर्शियल बैंक की जगह मैं SBI लिख देता हूं। अगर SBI को एक्सपेंसिव लोन मिल रहा है तो SBI जो अपने कस्टमर्स को लोन देगा वो भी तो बढ़े हुए इंटरेस्ट में देगा। SBI अपनी पॉकेट से तो दे नहीं देगा इंटरेस्ट, क्योंकि SBI का भी अपने एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, सैलरी देनी है, रेंट देना है बिल्डिंग का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट करेगा अगर उसका प्रॉफिट कम हो गया? तो अब SBI क्या करेगा, ये जो लोन दे रहा था बाकी कस्टमर्स को, उसका इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा। जब लोन का इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, तो मान लीजिए कोई कस्टमर ए था, इसको कार लोन चाहिए था, कस्टमर बी को हाउस लोन चाहिए था, तो ये लोग क्या कहेंगे, या तो ये लोन का प्लानिंग कैंसिल कर देंगे, हटाइए इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, या पोस्टपोन कर देंगे। यस और नो? तो जब इन्होंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया, ये लॉट आए, इन्होंने नहीं लिया लोन, तो अब क्या होगा, अब जो मार्केट में या इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज कर गई थी, वो लिक्विडिटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अब लोन नहीं मिल रहा है इसलिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई आपका रिड्यूस होगा, और जब मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर जाएगा। जस्ट ऑपोजिट प्रोसीजर होगा अगर डिफ्लेशन को काउंटर करना है, यानी आरबीआई तब क्या करेगा, रेपो रेट डिक्रीज करेगा। जब रेपो रेट डिक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक्स ज्यादा पैसा उठा लेंगे। जब वो ज्यादा पैसा उठाएंगे, क्योंकि उन्हें सस्ते ब्याज पे मिल रहा है, लोअर इंटरेस्ट रेट, तो अब वो उस पैसे को, ज्यादा पैसा उठाया है तो ज्यादा लोन देंगे लोगों को, राइट? और जब लोन ज्यादा आएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड एंजॉयड इट एज वेल। थैंक यू।